ये वाला ट्रेंडिंग रील्स एडिट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसी के नीचे आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखेंगे उस ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे इफ़ेक्ट्स दिखा रहे हैं, हमको किसी पर क्लिक नहीं करना है। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिखा रहा होगा डेली न्यू का, उसके बाद यहाँ से सियाल पर क्लिक करेंगे। सियाल पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से हमको ऊपर देखेंगे ऑप्शन दिखा रहा है टॉप, इस पर क्लिक करेंगे। टॉप पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट वाला इफेक्ट दिखा रहा है, यही वाला इफेक्ट है, हमको बस इसी इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपको सभी चीज़ें अलाउ कर देना होगा। यहाँ से लोडिंग लेने के बाद यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ से हम फर्स्ट वाले फ़ोटो पर पहले क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर लेकर लिया आ जाएगा। आपको अपना फ़ोटो कोई भी सिलेक्ट कर लेना होगा। सबसे पहले हम कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। उस फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर यहाँ से हमको सेकेंड वाले फ़ोटो पर फिर यहाँ से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से फ़ोटो पर, उसके बाद यहाँ से जिस फ़ोटो को हम चूज़ किए थे उसी फ़ोटो को फिर से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर चूज़ करने के बाद फिर यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इस फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। फिर फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद फिर यहाँ से टिक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इसी तरीके से हमको आगे भी सभी फ़ोटो में कर लेना होगा। सभी फ़ोटोज़ में कुछ इस तरीके से करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में ऑडियो का लिंक है, उसको भी डाउनलोड करके हम ऑडियो को भी अपने वीडियो में किसी ऐप के ज़रिए लगा लेंगे और वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।